वालेकुम। सुपर शम्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में खुश आमदीद। तो जनाब, आज हम स्टडी करेंगे जो हम वॉशिंग पाउडर बनाते हैं, उस जो बेस बनाते हैं इसका, उस बेस में केमिकल कौन कौन से यूज़ होते हैं। दोस्तों, इसके चार ग्रुप हैं। जब हम वॉशिंग पाउडर बनाते हैं, एक बेस ग्रुप है, दूसरा एक्सिड का ग्रुप है, तीसरा फिलर है, चौथा दानेदार बनाने के लिए और शाइनिंग के लिए ब्लीचिंग एजेंट है। तो आज हम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिलिकेट के मुतलिक स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सोडा एच में 45% यूज़ करता हूँ वॉशिंग पाउडर में। मेरा गोल्डन ब्रांड रजिस्टर्ड ब्रांड है, 45% में यूज़ करता हूँ। ठीक है, क्यों यूज़ करता हूँ दोस्तों? अगर 40% से मैं कम यूज़ करूँगा तो मुझे कास्टिक लेई इस्तेमाल करनी पड़ेगी। बेस में जितने भी ग्रुप है, एक्सिड में जितने भी ग्रुप है, जब ये पानी में जाते हैं तो ये आयन कहलाते हैं। जब जितने भी बेस के ग्रुप जाएंगे, वीक एक्स बेस होगा या स्ट्रांग बेस होगा, सब आयन OH- बन जाएंगे। जिसमें ताकत होगी वो OH- आयन बनाएंगे, नहीं तो बेस के साथ केमिकल के साथ मूव करेंगे, सब केमिकल खत्म हो जाएंगे। इस तरह एक्सिड में भी स्ट्रांग जो एक्सिड H+ देगा, आयन H+ रिएक्ट करेगा OH- से, तो हमारे कपड़े साफ होते हैं। कमज़ोर एक्सिड उस केमिकल के साथ 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 घूमेगा, हेल्प करेगा, मगर जो मूव करेगा आयन वो H+ करेगा। दो ग्रुप हैं, बाकी जो फिलर है, ब्लीचिंग एजेंट है, सारे मददगार है। आइए, सोडा एच बेहतरीन क्लीनिंग एजेंट है। ठीक है दोस्तों, साफ्टनर है। क्यों साफ्टनर है? इसलिए साफ्टनर है कि सोडियम कार्बोनेट जब पानी में जाता है तो OH- रिलीज करता है और जनाब कार्बोनिक एसिड रिलीज करता है। कार्बोनिक एसिड मिनरल के दाने कचरा को साफ करता है पानी में घुस के, इसलिए उसको साफ्टनर भी कहते हैं। हार्ड वाटर को साफ करता है, मिनरल को तोड़ के नीचे फेंक देता है। ये OH- रिएक्ट करता है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये पानी से प्यार करने वाला ग्रुप है। हम रगड़ाई, कचरा, मट्टी जो भी होगी, पानी के साथ आएगा, वो साफ शिफाफ कर देगा। ये पानी का लवर है। ठीक है, ये बेहतरीन ना क्लीनिंग एजेंट भी है, साफ्टनर भी है, ये रिएक्ट करता है एक्सिड से। हमारे पास एक्सिड सिर्फ एक है, सल्फ्यूरिक एसिड लब्सा। ठीक है जनाब अली, तो सोडा एच आप पिक्चर भी आ रही हैं, उनका केमिस्ट्री का फार्मूला भी सामने है। जनाब अली, मैं 40% यूज़ करता हूँ, अगर इससे कम करूँगा तो मुझे कास्टिक सोडा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। आइए कास्टिक सोडा पे। कास्टिक सोडा दोस्तों स्ट्रांग बेस है, सोडियम भी है इसमें और जनाब हाइड्रोक्साइड भी है। हाइड्रोक्साइड और जनाब अली सोडियम मिलके हमारे रिएक्शन की वजह, जो केमिकल्स में रिएक्शन होता है, हमारे हाथ जलाता है। हम 4% डालते हैं pH को कंट्रोल करने के लिए। दोस्तों, जब कास्टिक सोडा रिएक्शन करता है पानी में तो क्या सोडा एच वाला फार्मूला नहीं है, इसमें है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम भी क्या है, मिनरल है। वो जब अट्टे करेगा फंक्शनल ग्रुप OH- के साथ तो खतरनाक रिएक्शन होता है, हमारे जो हाथ है वो जल जाते हैं। इसलिए हम 4% से ज़्यादा नहीं डाल सकते।
यही ओ एच माइनस जब सोडा एच में होता है तो जहर उसमें अल्कलीज की बहुत बड़ी वसी चैन है, वहाँ हाथ नहीं चलाता, वहाँ जी भर के हम डालते हैं सफाई के लिए और रिएक्शन करने के लिए एक्सिड के साथ। इसलिए 4% जो दोस्त कास्टिक सोडा डालते हैं लेई बना के 50% हम डालते हैं, 33% नहीं। उसके बाद आता है TSP, ये डर्ट रिमूवर है, हेवी है, वजनी है, झाग में मददगार नहीं है। जो एजेंट हजरा किसी फार्मूला को तबाह करने के लिए हमें जो मिला वो 17% डालते थे, बड़ी मुश्किलों से उसको हमने सेट किया है 5% पे। ये गिदलापन भी पैदा करता है, इसलिए 5% डालोगे तो गिदलापन पैदा नहीं होगा। कास्टिक सोडा का जो दो चार वीडियोस मैंने बनाए, तकरीबन 40 वीडियोस बनाए, वो भी थंबनेल आ रहा है, उस पर मजीद रिसर्च करनी है तो वहाँ जाके देखो। ठीक है दोस्तों, टीएसपी में रिमूव डर्ट भी रिमूव करता है और सब्जी के दाग धब्बे कपड़े से मिटाता है। 17% 20% जो एजेंट डाल के हमें फंसाते थे क्योंकि ये गितलापन पैदा करता है, झाग भी मारता है, आए दिन फार्मूला ख़राब, आए दिन मौसम की वजह से फार्मूला ख़राब, तो इस झंझट को जान छुड़ाने के लिए मैं 5% इस्तेमाल करता हूँ सोडियम सिलिकेट। यह सोडियम सिलिकेट हमारा साबुन का आइटम ही नहीं है, इसमें सिलिका जेल पड़ा हुआ है जो हमारे इस वॉशिंग पाउडर को सॉफ्ट करता है, ऑयली पानी को करता है। इसलिए हम सोडियम सिलिकेट का इस्तेमाल करते हैं। केमिकल डीलर हजरात जो हम जैसे अनाड़ी जाते हैं, कहते हैं सोडियम मीटा सिलिकेट लो, सोडियम सिलिकेट लो, भाई दोनों का फंक्शन एक है, अहम नहीं है, ये सिर्फ सॉफ्टनेस लेके आने के लिए हम करते हैं। सोडियम मीटा सिलिकेट मैंने यूज़ नहीं किया, बार बार दोस्त कहते हैं सोडियम मीटा सिलिकेट का बताओ, भाई ये जो केमिकल है वॉशिंग पाउडर का है ही नहीं। अगर 5% से ज़्यादा डालोगे तो ये पानी बन के उड़ जाएगा, वजन कम करेगा। अगर नमक के साथ ये सोडियम सिलिकेट डालोगे तो 6 महीने के बाद पत्थर बन जाएगा। फिर बता रहा हूँ, ये सोडियम सिलिकेट रेत का बना हुआ है और इसमें जेल पड़ा हुआ है, सिलिका जेल। अगर पत्थर के चूरा टेलकम पाउडर के साथ डालोगे, नमक के साथ डालोगे तो ये गंदा बन जाएगा 6 महीने के बाद। तो कोशिश करो केमिकल जो डीलर हजरात है उनके चक्करों में ना आए। सोडियम सिलिकेट से तो हम तो ऑयली बनाने के लिए छोटा सा फंक्शन है इसका, आप उनके कहने पे अपने इस फार्मूला में ज़बरदस्ती कोई केमिकल नहीं घुसाओ। मेरा कहने का मकसद ये है, ये सिर्फ सॉफ्टनेस और ऑयली बनाने के लिए सोडियम सिलिकेट यूज़ करते हैं, मैं 5% करता हूँ सोडियम सिलिकेट हर से ज़्यादा कभी नहीं डालना, नहीं तो ये गंदा बन जाएगा नमक के साथ। तो ये मुख्तसर मैंने बता दिया कि ये बेस है, सोडा एश है, मीठा सोडा है, TSP है, सोडियम सिलिकेट एक ग्रुप बना हुआ है बेहतरीन, 45% सोडा एश, मीठा सोडा 5%, TSP 5%, सोडियम सिलिकेट 5%, बेहतरीन रिजल्ट देता है, गोल्डन ब्राउन। यह है मेरा बेस का ग्रुप A1 का रिजल्ट दे रहा है 4 साल से। ये सारे रिएक्ट करेंगे किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। फिर जनाब अली सल्फ्यूरिक एसिड भी पढ़ते हैं, बेस का मैंने तफसीलन आज बता दिया कि वॉशिंग पाउडर के जो बेस के ग्रुप है उनका फंक्शन क्या है और उन केमिकल का इस्तेमाल किया है। सोडा एश क्लीनिंग एजेंट है, मीठा सोडा जो जनाब पसीने की बदबू करता ख़त्म करता है, कपड़ों से सॉफ्टनेस लेके आता है, TSP सब्जी के दाग मिट्टी के दाग मिटाता है, सोडियम सिलिकेट हमारे वॉशिंग पाउडर को ऑयली करता है। तब तक खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे एक्सिट ग्रुप के साथ।